अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। थाने में आवेदन दे दिया सर, वहाँ से जानकारी मिलेगी आपको। अरविंद जी, आज नगर निगम के अंदर कोई घटनाक्रम की बात सामने आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि आप पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हैं, आपकी जो पत्नी है वो पार्षद है यहाँ सर, आपके वार्ड संबंधित कुछ मामला था, क्या कुछ मामला है और नगर निगम द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है आपके खिलाफ? हाँ, आज घटनाक्रम हुआ है, नगर निगम में नहीं मेरे वार्ड में हुआ है। आज सुबह मैं घर पर था तो मुझे ऐसी सूचना मिली है कि वार्ड में एक छोटे लाल शर्मा नाम के एक नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मलबा शुल्क की रसीद काट रहे हैं और जो कि अवैध मानी जाती है, क्योंकि जब कोई नक्शा पास कराता है या घर की अनुमति लेता है तो नक्शे के साथ साथ उसके मलबा शुल्क भी वहाँ पर कट जाती है और अलग से मलबा शुल्क काटना अवैध है। जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने फ़ोन पर मना किया और नहीं माने तो मैं और मेरी पत्नी जो वार्ड की पार्षद है निधि वर्मा, हम साथ में गए और मना किया। तब तक निगम कर्मचारी छोटेलाल शर्मा वहाँ पर अवैध रूप से बगैर रसीद के 1000 रुपये ले चुके थे। जब मैंने कहा सुनी हुई और वो पैसे वापस करवाए, चूँकि आसपास हमारे वार्ड के रहवासी भी थे, तो छोटेलाल शर्मा द्वारा उनके साथ मेरे साथ पार्षद के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है और इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूँ। ऐसा पहले भी हुआ है, छोटेलाल शर्मा दीपावली का समय था और यहीं एमजी रोड पर एक दीपक बेचती महिला से अवैध वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि पूरे देवास ने देखा था, वो यही छोटेलाल शर्मा था और यही छोटेलाल शर्मा आए दिन वार्डों में जाकर के अवैध वसूली करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार पे हम रोक लगाएंगे, हमारे कार्यकाल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। क्या आपने इस विषय में कमिश्नर साहब या किसी को अवगत कराया? मैंने एक लेटर लिखा है माननीय आयुक्त महोदय के नाम पे कि ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले और जो कि शराब के नशे में भी थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, उसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय हमारे कैलाश जी भाई साहब, उसके बाद में विधायक जी, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे महापौर जी और हमारे कलेक्टर साहब, उन सबको मैंने एक आवेदन आज भेजा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे, ऐसे शराबियों पे कार्रवाई की जाए।